Hello everybody. Hope your preparations are going good. In the last video, I gave you two questions whose answers are not revealed yet. So it's a time to reveal them. Two MCQs there. First MCQ was, which Indian state gives highest income tax collection to the government of India? कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देती है? द आंसर इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देती है एंड द सेकेंड नंबर इज आंध्र प्रदेश. महाराष्ट्र के बाद जो कंट्री सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देती है दैट इज आंध्र प्रदेश. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, सेकेंड हाइएस्ट भी आ सकते हैं, फर्स्ट हाइएस्ट भी आ सकता है, सो रिमेंबर बोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच डज द प्राइमरी सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू द इंडियाज जी डी पी 2018 and 2019? प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर एज आई डिस्कस अर्लियर इन माई वीडियोज, प्राइमरी सेक्टर इज अ सेक्टर रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी से जो भी रिलेटेड होता है, जो रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज नहीं करते, दैट इज प्राइमरी सेक्टर. सो द आंसर इज 15.4%. होप दीज टू क्वेश्चन आर क्लियर. नाउ देर इज अ गुड न्यूज फॉर यू कि हम नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स. प्लीज मस्ट व्यू दिस. सो कम टू द टुडेज टॉपिक. आवर टुडेज टॉपिक इज फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी क्या बोलती है? फिस्कल पॉलिसी पहले नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. इट मीनिंग है रेफर्स टू एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द गवर्नमेंट. यू कैन से इट्स एन टूल और मेथड यूज बाय अ गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर. फिलअप आ सकता है इसमें इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर. टैक्सेस के फॉर्म में होता है और एक्सपेंडिचर के फॉर्म में होता है. लेकिन ये पॉलिसीज बनती क्यों है? बनती क्यों है? टू कंट्रोल द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन, ऑफ द कंट्री. इकोनॉमिक कंडीशन को स्टेबल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो है गवर्नमेंट यूज करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर. इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी? लाइक डिमांड, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्फ्लेशन, मतलब इकोनॉमी में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया जिसको महंगाई बोलते हैं लेमन लैंग्वेज, डिफ्लेशन जब मार्केट में पैसा ही नहीं रहता, एंड एम्प्लॉयमेंट. नाउ देयर इज अनदर टर्म, मॉनेटरी पॉलिसी. ऑल्दो इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस बट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज बहुत से लोग क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी को एक ही चीज़ समझते हैं, बट दीज बोथ आर डिफरेंट. हाउ? As we discussed earlier, fiscal policy is refers to the government revenue collection and expending. ये क्या करता है? Fiscal policy government की होती है. It is used by government. But जो monetary policy है that is used by central bank. That is RBI, Reserve Bank of India यूज करता है monetary policy. जैसे कि हो गया bank rate increase, decrease कर देना, repo rate, SLR हो गया, CRR हो गया, that is monetary policy. बट फिस्कल पॉलिसी हो गया बजट कंट्रोल करना, एक्सपेंडिचर, टैक्सेस एंड ऑल. ये जो टैक्सेस एक्सपेंडिचर है डैट इज़ नॉट इन द हैंड ऑफ आरबीआई, डैट इज़ इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट. तो याद रखना हमेशा, गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू फिस्कल पॉलिसी वाइल आरबीआई इज रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी. होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? वी हैव टूल्स एंड मेथोडोलॉजी. टूल्स एंड मेथोडोलॉजी आर सेम, डोंट गेट कंफ्यूज विद इट. हमारे पास चार टूल्स हैं इसके. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सॉरी द स्पेलिंग इज रिटन रॉन्ग हियर, एक्सपेंडिचर में ए नहीं आता. टैक्सेस, डेफिसिट फाइनेंसिंग, पब्लिक डेट. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या होता है? गवर्नमेंट कुछ भी एक्सपेंस करे. लाइक गवर्नमेंट का एक्सपेंस क्या होता है? सपोज वो रोड बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, स्कूल खोल रही है, मेडिकल कॉलेजेस खोल रही है, हॉस्पिटल खोल रही है, डैट इज ऑल रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो क्या होता है, वेन एवर देयर इज एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड मतलब पैसा जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा है. सपोज दिस इज द इकॉनमी, इससे बहुत पैसा हो गया, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होगी कि उसमें से उसने इकोनॉमी में से पैसा निकालना है. क्या करेगी? वो ज़्यादा खर्चा नहीं करेगी. खर्चा करेगी तो इकोनॉमी में फिर से पैसा आ जाएगा. सो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस्ड. याद रखना, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड
government expenditure is reduced. And whenever there is a deficient demand, it is just opposite to the excess demand, government expenditure is increased. अब मार्केट में पैसा नहीं है, अब क्या करेगी गवर्नमेंट, पैसा इंजेक्ट करेगी इनटू द इकोनॉमी. कैसे? एक्सपेंस करेगी, स्कूल्स बनाएगी. स्कूल्स बनाएगी तो ऑफकोर्स स्कूल बनाएगा, लेबर को पैसे देंगे, जो उसमें सामान लग रहा है उसको पैसे देंगे. हॉस्पिटल बनाएगा, सामान लगेगा ना, तो क्या आएगा, मार्केट में पैसा आएगा. सो एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज. नाउ नेक्स्ट टूल वी हैव टैक्सेस. टैक्सेस इज व्हेन एक्सेस डिमांड इज टू बी करेक्टेड, टैक्स बर्डन इज इंक्रीज. एक्सेस डिमांड है मतलब इकोनॉमी में पैसा क्या है, ज़्यादा है, तो क्या करेगी वो, पैसा निकालना है तो निकालेगी कैसे, वो टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोज करेगी. बाहर निकालने के लिए टैक्स जब ज़्यादा इम्पोज करेगी, गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा आएगा, इकोनॉमी से पैसा कम होगा. तो वैसे ही ओपोजिट टू द एक्सेस डिमांड वी हैव डेफिशिएंट डिमांड. जब पैसा क्या है उसमें, डेफिशिएंट डिमांड मतलब पैसा क्या है मार्केट में, कम है, तो उसने क्या करना है, ज़्यादा करना है. तो क्या करेगा, इसको करेक्ट करने के लिए टैक्स बर्डन इज रिड्यूस, वो टैक्स रेट्स कम करेगी. होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट टूल वी हैव पब्लिक डेट, ऑल्सो नोन एज पब्लिक बोरोइंग. पब्लिक डेट, पब्लिक बोरोइंग क्या हुआ, जब एक्सेस डिमांड होती है मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट है, क्या करेगी पब्लिक से पैसा बोरो करती है. कैसे बोरो करेगी, पब्लिक के पास इतना पैसा है कि वो हर जगह लुटा रही है, तो क्या करेगी पैसे उनसे लेगी बाय ऑफरिंग देम अट्रैक्टिव रेट. अट्रैक्टिव रेट इन द सेंस, सपोज उन्होंने कर दिया कि अच्छा हमारे पास 1 लाख जमा करवाओ, तो कह रही है कि 1 लाख जमा कराओ, हम आपको आफ्टर 1 ईयर वी विल गिव यू 1.5 लाख, 1.5 लाख दे देंगे. क्या कह, कोई भी पागल तो नहीं होगा ना जो दे नहीं देगा. तो जिनके पास भी पैसा होगा वो जाके गवर्नमेंट में जाके क्या करेंगे, उनको गवर्नमेंट को दे देंगे, गवर्नमेंट विल बोरो. तो उससे क्या होगा, परचेजिंग पावर जो पब्लिक की है उसकी कम हो जाएगी, दैट इज पब्लिक बोरोइंग. दिस इज एन अनदर इम्पॉर्टेंट टूल दैट इज यूज बाई गवर्नमेंट टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड. नेक्स्ट वी हैव, इट इज लास्ट, डेफिशिट फाइनेंसिंग. डेफिशिट फाइनेंसिंग क्या होती है, वेन द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम RBI, गवर्नमेंट का पैसा नहीं बचा तो वो RBI से बोरो कर दिए, तो क्या करेंगे, जब एक्सेस डिमांड होगा, पैसा इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग इज अवॉइडेड. डेफिशिएंट फाइनेंसिंग नहीं की जाएगी, क्यों, क्योंकि वो क्या कहेगी, गवर्नमेंट कहेगी मेरे पास पैसा नहीं है, चलो करेंसी बनाओ, और करेंसी बनाओ. अगर और करेंसी बनाएगी तो क्या होगा, इकोनॉमी में और पैसा आएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा, इससे क्या होगा, महंगाई और बढ़ेगी. तो क्या कह रहे हैं कि डेफिशिएंट जब एक्सेस डिमांड होगी तो हम क्या करते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं करती है, गवर्नमेंट को RBI लोन नहीं देगा. होप दीज टूल्स आर क्लियर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसीज. टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, देर आर 3 टाइप्स, कॉन्ट्रैक्शनरी एंड पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी. ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी, ऐसे ही आपको नाम पता चल रहा है, जब भी किसी को कॉन्ट्रैक्ट करना है मतलब कम करना है, ठीक है, तो डैट इज कॉन्ट्रैक्शन. जब ये किसी को कॉन्ट्रैक्ट करना है डैट इज कॉन्ट्रैक्शन. एक्सपैंड क्या हो गया, किसी को बड़ा करना, डैट इज एक्सपेंशन. अब कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्पेंड ज़्यादा कर रही है, स्पेंड कम कर रही है, कट स्पेंडिंग्स. कॉन्ट्रैक्शन में क्या करेगा, स्पेंडिंग कम करेगी क्योंकि इकॉनमी में पैसा बहुत ज़्यादा है. इन्फ्लेशन में कॉन्ट्रैक्शनरी होती है एंड डिफ्लेशनरी में एक्सपेंशनरी होती है. कॉन्ट्रैक्शन में हमारे स्पेंडिंग्स कट हो जाएंगी, इन टैक्स इंक्रीजेस हो जाएंगे एज वी हैव डिस्कस अर्लियर. और एक्सपेंशनरी में क्या हो जाएगा, इन स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाएंगी और टैक्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे. नाउ लास्ट वी हैव डिस्क्रिशनरी. डिस्क्रिशनरी क्या होता है, डिस्क्रिशनरी इज डिपेंड्स अपॉन ईयर्स बजट कि हमें क्या करना है, कहीं स्पेंड करना है कि नहीं करना है, दैट्स डिपेंड्स अपॉन द बजट. का गवर्नमेंट बजट लाती है उस पर डिपेंड करेगा हमें कितना स्पेंड करना है, कितना स्पेंड नहीं करना है, कितना टैक्स रेट होगा कितना नहीं.
Contractionary and expansionary are more important. Okay. Next we have types of fiscal policy. कोई टाइप्स जो है इसमें एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी थ्रू डायग्राम बताया हुआ है, थ्रू टेबल बताया हुआ है. तो इसमें क्या बता रहा है वो, सबसे पहले एक्सपेंशनरी में हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाता है. इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि क्या इकोनॉमी में पैसा नहीं है तो एक्सपैंड करना है तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करेगी, इकोनॉमी में पैसा आएगा. और टैक्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि टैक्स से क्या होगा, टैक्स से क्या होगा, पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है तो वो गवर्नमेंट में अपने पास थोड़ी आना है, इकोनॉमी में लाना है, तो टैक्स रेट डिक्रीज कर जाएगी. जस्ट ऑपोजिट टू द एक्सपेंशनरी वी हैव कॉन्ट्रैक्शनरी. इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स आर डिक्रीज, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा बहुत ज़्यादा है. और टैक्सेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज, क्योंकि उन्होंने पैसा निकालना है. तो जैसे वो टैक्स रेट इंक्रीज करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा. Hope this is clear. Our next video will be with MCQs. Thank you and hope you like the lecture. Kindly like and subscribe my channel.